नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गार्गी पंजाब के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं दुनिया से पंजाब का संपर्क लगातार बना रहे हैं पंजाब के लोग जो देश से बाहर रह रहे हैं और विदेश के लोग जो पंजाब में किसी न किसी कारणवश रह रहे हैं उन्हें पंजाब से आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो इस और ध्यान देने की जरूरत है और इसी मुद्दे को लेकर पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्य सदस्य राघव चड्डा ने पंजाब से सभी बड़े देशों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की मांग राज्यसभा में रखी है उन्होंने कहा है कि ये पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या है और पंजाब के विकास के लिए इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की

पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूं सर पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों में बसते हैं कनाडा हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो न्यूजीलैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो लेकिन आज पंजाब से इन देशों की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो बहुत खराब है पंजाब में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं एक मोहाली में एक अमृतसर में और ये दोनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सर, एयरलाइंस बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं और किसी एक आधे छोटे देश अगर वहां से फ्लाइट जाती भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि उसकी कोई सुविधा लोगों को नहीं मिलती आज पंजाबी बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं सर आज पंजाबी भाषा को यह हमारा यह हमारा आप सांसद राघव चडा ने कहा है कि पंजाब के दो एयरपोर्ट से चलने वाली चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या और फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि लोगों को उनका कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है एक तरफ जहां पंजाबी बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी चला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ना होना उनके लिए एक बड़ी समस्या है मौजूदा समय की बात करें तो पंजाब में अमृतसर से कतर यूएई मलेशिया सिंगापुर तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान और यूके के लिए सीधी उड़ान है लेकिन पंजाब में विदेश से बड़ी संख्या में आने जाने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए इन उड़ानों की संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरोसा दिलाया है कि देश में विमान सेवाओं में विस्तार होता है तो पंजाब को प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने कहा है कि अमृतसर और चंडीगढ़ में एक साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयालीस हवाई यातायात की आवाजाही होती है जिसमें अमृतसर में तैंतीस और चंडीगढ़ से नौ है उन्होंने विश्वास जताया कि जब भी उड़ानों का विस्तार होगा पंजाब उसमें महत्वपूर्ण होगा बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स नमस्कार